करके जरूर जाएंगे, ये हमारी सोच है। डॉक्टर साहब आपके बीच में, डॉक्टर किरण लाल जी मीणा आपके बीच में पधार चुके हैं, आप सब सामने को मिले हैं, हो चुके हैं। मैं सोचों में बैठने वाले जो अपने सोचों में जगह अपने खाली करनी पड़ेगी, अपने कमेटी के बच्चों का निवेदन करता हूँ कि आप सोचों में से थोड़ा जगह खाली करें। आप बैठ जाओ।
अरे मतदा क्या मतलब खड़े अभी लोकसभा के चुनाव में खड़े हो जाओ बैठे में एक घंटा लग जाएगा। ए बाबा खड़े हो जाओ, ये सवाई माधोपुर को बैठ के देखते हैं, खड़े हो जाओ। बड़ा खुशी की बात है, ये भाई ढोलक बजाने वाले को चुप कर रहे हैं। माता बहनों का एक अद्भुत संगम, हर वर्ष मेला लगता है, और इस मेले में तुम चुप रह जाओ, बैठने वाले हल्ला कर रखा है, बैठ जाओ भाई। कभी कभी मेरे को भी आने का मौका मिल जाता है। गत साल भी मैं आने वाला था, लेकिन मेरे से पहले गहलोत साहब आ गए। आज मैंने जल्दबाजी की तो मैं पायलट साहब से पहले आ गया। कोई झगड़ा नहीं है हमारा, पर मैं 5 साल तक गहलोत साहब के खिलाफ सड़कों पर लड़ता रहा, तो थोड़ा आपस में आंख मिलाने में दिक्कत आती है। तो मेरे को महाराज ने टोका कि आपको नोटा दिया था, आप आए नहीं। और अभी 10 दिन पहले इंदिरा जी का फोन गया था मेरे पास कि मैं आपको नोटा देने के लिए आऊंगी। मेरे को आज तक नोटा देने के लिए नहीं पहुंची, तो मैं तो बिना नोटे ही आ गया। मैंने अभी इंदिरा जी को फोन किया था, इंदिरा जी कहाँ हो? तो जहाँ है वहाँ है, रहना भी चाहिए, उनके नेता आ रहे हैं। तो ये एक तरह से भक्तों का मेला, और मैं बहुत पहले से इस स्थान पर आ रहा हूं। जब बड़े महाराज थे तब एक दो बार तो रात में मुझे को यहां रुकने का मौका मिला। जो बगल में वो तलाई थी वो बहुत छोटी थी, उसमें कुछ काम तो ज्यादातर भक्तों ने कराया, पर कुछ मैंने भी कराया। और अभी स्थान बहुत बड़ा विशाल बन चुका है। मैं छोटे बालाजी जी, शिवानंद जी, नित्यानंद जी, शिवानंद जी, हाँ बड़े वाले शिवानंद जी थे, ये नित्यानंद जी हैं, इनकी अगुवाई में इस स्थान का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे टोंक में जोधपुर का स्थान है, वैसा ये स्थान बनने के लिए जा रहा है। आप सब महाराज को साथ देते हैं, गुरु महाराज को इसमें सहयोग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत तो फक्कड़ होता है, उनके पास पैसा कहां से आए, लक्ष्मी कहां से आए, धन कहां से आए। जब अपार जन सहयोग मिलता है तो बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम सफल हो जाता है। अब अपार जन समूह 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अब यहां तो बाबा ने क्या तय किया मेरे को पता नहीं, लेकिन बालाजी के महंत ने मेरे को बुलाया है। वो 18 तारीख को 4 लाख किलो
लड्डू देसी घी के अयोध्या को रवाना करेंगे, तो आप जाओगे तो वहां भी देसी घी का लड्डू आपको खाने का मिलेगा, और यहाँ भी माल देसी घी का ही होगा, प्योर देसी। हाँ, मिश्री मावा भी बनता है, जोरदार चटकाने से खाओगे आप। ये भाईचारा, ये प्रेम भाव, ये भक्ति का भाव, और ये नहीं कि एक ही जाति आती है, सभी जाति धर्म के 36 कौन से लोग इस आश्रम पे आते हैं, और ये विशाल भंडारे में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। तो मैं भी यहाँ का एक छोटा सा भक्त हूं, मैं इस आश्रम पर जो भी जिस किसी प्रकार का गुरु जी महाराज मेरे को कहेंगे वो सहयोग देने के लिए तैयार मिलूंगा। आप मैं भी अब कुछ दिनों बाद बाबा जी बनने वाला हूँ, मेरे को पूरे राजस्थान में बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन इस बाबा में नित्यानंद में केवड़ी लाल में फर्क है। मेरे पास गोल मां है, ये ब्रह्मचारी है, तो मैंने भी मेरा आश्रम बनाना चालू कर दिया है। 5-6 साल से आश्रम का काम चल रहा है। मेरा आश्रम किस किसने देखा है, जरा हाथ खड़ा करो। ये महिलाओं ने नहीं देखा। अभी वहां पर 47 फुट ऊंची महादेव की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे गंगा जल का प्रवाह होगा, महादेव जी की जटा होगा, और वह विशाल नील भगवान का मंदिर, बाकी देवी देवता जो सनातन परंपराएं जो हिंदू मानते हैं उनकी स्थापना हम करने के लिए जा रहे हैं। साल 2 साल में जब वो पूरा हो जाएगा, जब मैं भी राजस्थान भर के भक्तों को बुलाऊंगा, और उस दिन मैं भी बाबा का तिलक लगा के कपड़े पहन के मैं भी बाबा जी बन जाऊंगा, क्योंकि अब ज्यादा राजनीति में पूरा समय दे दिया, 72 साल का हो गया। ये तो अच्छा हो समाज मधुपुर वालों का, उन्होंने मेरी राज रख दी, तेरा पग पकड़ो रहे माधोपुर राखो राज करोड़ी को राखो राज बुढ़ापा। ये सवाई माधोपुर के लोगों ने जवानी में भी मेरी लाज रखी। जब मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था, तो सबसे ज्यादा वोटों से, इतने वोटों से कि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उतने वोटों से जीत के ही गया जितने वोटों से जीता गया सवाई माधोपुर की जनता ने मेरे को भेजा। तो मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। और जब मैं बामनवास से लड़ा तो 2 ध्रुव एक हो गए, पुराने लोगों को पता है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी डूबती हुई मैया बौली और बामनवास की जनता ने पार किया, इसलिए मैं बौली का भी कर्जा नहीं भूल सकता, न बामनवास का भूल सकता, न सवाई माधोपुर का भूल सकता, न पूर्वी राजस्थान राजस्थान के भाइयों को भूल सकता। अब मैं किसान मंत्री, अभी मैं देखता आ रहा था वहां जो सब्जी उगाई जा रही है वो हमारा विभाग ही हुआ था, तो ज्यादातर आप किसान हैं। मैं गांव में कैंप लगवाऊंगा, भारत सरकार और राजस्थान की सरकार की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसानों की हैं
उनकी जानकारी आकर मेरे अधिकारी देंगे और मैं भी कैंप में आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिलना चाहिए, ये मेरे विभाग का जिम्मेदारी है। मैं गांव का हूं तो गांव का काम भी मेरे को संभाल दिया मुख्यमंत्री जी ने, किसान का काम भी मेरे को संभाल दिया और कोई दुख दर्द पंजाब में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको, लाख में से भी सोना निकाल के आपके बीच में बांटूंगा, इस बात का भरोसा करूंगा। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शन देते हैं, राम राम साहब वोट देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना और वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के एक गांव में दो रंगवे मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा देगा, तो मैं करा दूंगा, कराऊंगा उनके हैं वो, एक 44 साल का एक 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करूँ, तो मैं जो वादा करता हूँ कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा, वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को कभी पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूं, आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना, गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप कहोगे, उन्हें पूरा सहयोग देना और उसको अच्छा विकसित करने में मैं कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म प्रेमियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम। हेलो हेलो, मैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो महाराज जी के पास में आए और एक महाराज जी की अर्जी है, वो अर्जी को आप स्वीकार करें या एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए महाराज जी का एक प्रार्थना पत्र उसको स्वीकार करें और एग्रीकल्चर खोलने की कृपा करें, क्योंकि ये एरिया पूरा है वो किसानों का एरिया है, इसलिए भाई बैठ बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ, अरे तू खाकी है, खाकी बटी है जन्नो, ये एग्रीकल्चर कॉलेज की कह रहे हैं, क्या है एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दे, ये तो बाबा हाई नहीं कर रही, ए महाराज महाराज ये तो मना कर रही है एग्रीकल्चर कॉलेज की, तो रहने फालतू की बात, पहले कॉलेज की बात कर, ये बताओ तुम तो सब आसपास करो, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए 100 बीघा जमीन चाहिए कि वो है ना, मेरी बात सुनो, है है, मैं पहले बता देता हूँ, 100 बीघा जमीन चाहिएगी और उसको आगे विकसित करने के लिए और जमीन की भी जरूरत पड़ सकती है, मिल जाएगी, कहाँ पे है, मौजूद है यही, तू तो सरस्वती वाला कह रहा है, यहाँ की कह रहा हूँ, यहाँ 100 कहाँ है, ये तो 25 बीघा मैं रोड से लेके यहाँ पे गए, पीछे भी है, देखो समय लग सकता है क्योंकि गहलोत साहब खजाने को खाली कर गए, लेकिन मैं इस स्थान पर आया हूँ तो महाराज आदेश दे रहे हैं, भक्तों की मांग है,
यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज जहाँ भी 100 बीघा का जमीन मिलेगी वहाँ करा दिया जाए। बाउंड्री वाल की ओर से बाउंड्री वाल की ओर से नरेगा आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन, आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई, बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये 16वीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपने त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जो संस्कार हमारे हैं इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण करके उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे 36 गांव के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। आज तो सिर्फ महाराज हमारे आज तो महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पर राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए। इतना मैं जो आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, राजनीति में उतार आए, चढ़ाव आए, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा, उसका तो ध्यान रखना। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ इस ऊर्जा के साथ हमने अपने संबंध को कायम किया है, क्योंकि काली दुआ की बस्ती है, सारा कुछ मैं करूँ और आप कुछ नहीं करो तो फायदा नहीं, और आप ही देते रहो और मैं कुछ नहीं करूँ उसका भी कोई फायदा नहीं। आपसी संबंध, प्रेम और भाईचारा बनाने से बनते हैं, रिश्ते बनाने से कायम होते हैं। और सुनो, रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल, इसलिए मैं हमेशा आपका रिश्ता निभाता रहूंगा, इस बात आपको वादा करके जाता हूँ। और आज इस मैं भी गाड़ी बात कर रहा था, मैंने कहा बहुत दिन कोहरा रहा, सुबह धुंध बहुत होती है, दोपहर तक आज का जो दिन था वो शुभ था, पूरा आसमान खुल गया, ऐसी धूप आई है बढ़िया, हो गया था आज धूप आई है, अच्छे माहौल में, अच्छे मौसम में आप सबसे मिलने का मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, भगवान आपकी झोली में ढेर सारी खुशियां डाले, आप मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपके बच्चों को भगवान तरक्की का रास्ता दिखाए, आपका हमारा जो प्यार का संबंध है वो हमेशा बना रहे, ऐसा जोड़ा नारा देना। बोल श्री माता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम संत। माननीय सचिन पायलट जी यहाँ पधारे, उसके लिए आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी। 2016 में पहले सचिन पायलट जी यहाँ पधारे थे, अब 2024 के अंदर वापस से दोबारा यहाँ आपके यहाँ आश्रम में पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप आराम से देखिए, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, मंच पे कोई भी नहीं करेंगे, आप बिल्कुल अपने सामने जिंदगी होंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान जनसाल जी, जनसाल जी की अपना कम समय में बहुत समाधान दे करके जरूर जाएंगे, ये हमारी सोच है।
डॉक्टर साहब आपके बीच में, डॉक्टर किरण लाल जी मीणा आपके बीच में पधार चुके हैं, आप सब सामने को मिले हैं, हो चुके हैं। मैं सोफों में बैठने वाले जो अपने सोफों में जगह आपको खाली करनी पड़ेगी, अपने कमेटी के बंदियों का निवेदन करता हूँ कि आप सोफों में से थोड़ा जगह खाली करें। सभी का भाषण करवाएंगे।
देखिए 31 बोरी शक्कर के तृप्तिलाल मीना हमारे हमारे विधायक साहब श्रीमती इंदिरा मीना जी भी आपके बीच में पधार चुके हैं। हमारे विधायक साहब श्रीमती इंदिरा मीना जी भी आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने पधार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ विधायक साहब ने कहा भी माइक संभाले। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कमेटी के लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बीच में विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय सचिन भाई जी बुला रहे हैं और कमेटी की तरफ से और गांव वालों की तरफ से और आम जनता की तरफ से सभी भक्तों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कमेटी के लोगों के द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाएगा। माननीय पायलट साहब थोड़ा पधारे हमारे बीच में घनश्याम वो भी पहुंचे हैं उनका भी सभी कमेटी की तरफ से स्वागत और सम्मान। सोलन के साथ ही पूरे विधायक जा चुके वो भी हमारे बीच में पहुंचे। राम नारायण जी भी हमारे बीच में विराजमान है वो कई बार विधायक बन चुके हैं। माननीय सचिन पायलट जी का स्वागत और सम्मान। सरपंच साहब हनुमान जी रामनारायण जी का सभी के माननीय सचिन पायलट जी आप सबके बीच में पहुंचे हैं गुरु महाराज के दर्शन करने। और मैं कहना चाहूंगी पिछली बार यहाँ की 16 निवास दिवस समारोह है और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। पिछली बार हमने सरकार से मांग की थी कि ये गौशाला होनी चाहिए तो आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो गौशाला के नाम अलॉट हो गई है और जल्द ही ये गौशाला बनने वाली है यहाँ पर। और आवासीय इदारे जो एक मॉडल आवासीय इदारे हमारे गुरु परम गुरु महाराज के नाम से स्वीकृत हो चुका है और उसका पैसा भी आ चुका है। सभी भक्तों के लिए बड़े खुशी की बात है कि जो सरकार ने हमने सरकार से जो मांग की थी वो पूरी हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी पिछली बार आप भक्तों को बताना चाहूंगी कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं सरकार ने चलाई। मैं निवेदन करना चाहूंगी यहाँ पे हमारे बीच में जसकोर जी भी विराजमान है मैं कहना चाहूंगी कि योजनाओं का नाम बदल दीजिए पर योजना चालू रख दो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जसकोर जी को कहना चाहूंगी। जसकोर जी हमारे भारत को माननीय मुख्यमंत्री बदल और प्रधानमंत्री क्योंकि गरीबों का नुकसान नहीं होना चाहिए देखिए भाई साहब युवाओं से जगह सबसे निवेदन है रुको भाई आप बिल्कुल अपने सब जिंदाबाद करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान घनश्याम जी बैर साहब से कि अपना कम समय में वो संबोधन दे उद्बोधन दे। शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी जो महान संत है हमारे तो इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी सचिन पायलट साहब का इस धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ। साथियों
ये धार्मिक नगरी भेड़ोली का जो आश्रम, ये बहुत गौरवशाली स्थान है। मैं पायलट साहब आपसे निवेदन करूंगा, आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं अब पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आपके श्री मुख से बहुत बहुत जनता को लाभान्वित करें। विधायक इंद्रा मीणा जी, हमारे विधायक घनश्याम मेहर साहब, हमारी सांसद महोदया स्कॉर मीणा जी, रामलाल मीणा साहब, वेद सोलंकी जी, आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई, बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सोलहवीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ। और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपने त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे हैं इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे छत्तीस कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। आज तो सिर्फ महाराज हमारे आज तो महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पर राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, राजनीति में उतार आए, चढ़ाव आए, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा, बातें ध्यान रखना। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस ऊर्जा के साथ हमने अपने संबंध को कायम किया है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, सारा कुछ मैं करूँ और आप कुछ नहीं करो तो फायदा नहीं, और आप ही देते रहो और मैं कुछ नहीं करूँ उसका भी कोई फायदा नहीं। आपसी संबंध, प्रेम और भाईचारा बनाने से बनते हैं, रिश्ते बनाने से कायम होते हैं। और सुनो, रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा आपका रिश्ता निभाता रहूंगा, इस बात का आपको वादा करके जाता हूं। और आज इस मैं भी गाड़ी में बात कर रहा था, मैंने कहा बहुत दिन कोहरा रहा, सुबह धुंध बहुत होती है दोपहर तक, आज का जो दिन था वो शुभ था, पूरा आसमान खुल गया, ऐसी धूप आई है बढ़िया, मैंने पहले बोल दिया था आज धूप आई, तो अच्छे माहौल में, अच्छे मौसम में आप सबसे मिलने का मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, भगवान आपकी झोली में ढेर सारी खुशियां डाले, आप मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपके बच्चों को भगवान तरक्की का रास्ता दिखाए, आपका हमारा जो प्यार का संबंध है वो हमेशा बना रहे। मेरे साथ जोरदार नारा देना, बोल बस्ती माता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद, राम 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 राम। माननीय सचिन पायलट जी यहाँ पधारे, उसके लिए आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी। 2016 में पहले सचिन पायलट जी यहाँ पधारे थे, अब 2024 के अंदर वापस दोबारा यहाँ आपके यहाँ आश्रम पे पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए
आप आराम से देखिए, धक्का मुक्की नहीं करे मंच पे, कोई नहीं कर दिया नहीं, व्यवस्था गर्म मत करो मंच पे, कोई नहीं, मंच टूट जाएगा, वजन ज्यादा हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि मंच पे कोई भी नहीं चढ़े, आराम से पायलट साहब को। वैसे भी वो युवाओं के हृदय सम्राट है, हम सबके लाडले हैं और हमारे सबके बीच में आए हैं और उनका भाषण अति सराहनीय रहा है, सभी को साथ लेकर देखिए। मैंने महाराज जी को वहीं से ढोक दिया, मैंने महाराज जी तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि आप एक बार आश्रम को आना, मैंने महाराज जी कहा हूँ आश्रम से मीना।
हमारे हमारी विधायक साहब श्रीमती इंद्रानी गांधी जी आपके बीच में बयान चुके हैं। हमारे विधायक साहब श्रीमती इंद्रानी गांधी जी आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने बयान चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ विधायक साहब ने कहा यह माइक संभाले। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कमेटी के लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बीच में विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट जी बुला रहे हैं और कमेटी की तरफ से और गांव वालों की तरफ से और आम जनता की तरफ से सभी भक्तों की तरफ से उनका हित में स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कमेटी के लोगों के द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाएगा। माननीय पायलट साहब थोड़ा पधारे हमारे बीच में घनश्याम महाराज पहुंचे हैं उनका भी सभी कमेटी की तरफ से स्वागत और सम्मान। सोलन के साथ ही पूरे विधायक वो भी हमारे बीच में पहुंचे। राम नारायण जी भी हमारे बीच में विराजमान है जो कई बार विधायक बन चुके हैं। माननीय सचिन पायलट जी का स्वागत और सम्मान। युवा उनके हित में सम्मान सरपंच साहब हनुमान जी रामनारायण जी का प्रदेश सभी के सम्राट माननीय सचिन पायलट जी आप सबके बीच में पहुंचे हैं गुरु महाराज के दर्शन करने। और मैं कहना चाहूंगी पिछली बार यहाँ की 16वां निवार दिवस समारोह है और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। पिछली बार हमने सरकार से मांग की थी कि ये गौशाला होनी चाहिए तो आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो गौशाला के नाम अलॉट हो गई है और जल्द ही ये गौशाला बनने वाली है यहाँ पर। और आवासीय इदारे जो एक मॉडल आवासीय इदारे हमारे गुरु परम गुरु महाराज के नाम से स्वीकृत हो चुका है और उसका पैसा भी आ चुका है। सभी भक्तों के लिए बड़े खुशी की बात है कि जो सरकार ने हमने सरकार से जो मांग की थी वो पूरी हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी पिछली बार आप भक्तों को बताना चाहूंगी कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई। मैं निवेदन करना चाहूंगी यहाँ पे हमारे बीच में जसकोर जी भी विराजमान है। मैं कहना चाहूंगी कि योजनाओं का नाम बदल दीजिए, परियोजना चालू रख दो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जसकोर जी को कहना चाहूंगी। जसकोर जी हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री बदलना भी और प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचा दे क्योंकि गरीबों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों की किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी देखिए युवाओं से जगह सबसे निवेदन है रुको भाई आप बिल्कुल अपने सब जिंदाबाद करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान घनश्याम जी साहब से कि अपना कम समय में बहुत भाषण दे उद्बोधन दे। शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी जो महान संत है हमारे इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी सचिन पायलट साहब का इस धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों ये धार्मिक नगरी भेड़ोली का जो आश्रम ये बहुत गौरवशाली स्थान है। मैं पायलट साहब आपसे निवेदन करूँगा आप यहाँ पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं अब पायलट साहब से निवेदन करूँगा कि आपके श्री मुख से बहुत बहुत जनता को लाभान्वित करें।
महावीर विधायक इंद्रा मीणा जी, हमारे विधायक घनश्याम नायर साहब, हमारी सांसद महोदया स्कॉर मीणा जी, रामलाल मीणा साहब, वेद सोलंकी जी, आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन, आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई, बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये 16वीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ। और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपने त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे 36 कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। आज तो सिर्फ महाराज हमारे आज तो महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पर राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, राजनीति में उतार आए, चढ़ाव आए, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा, बातों का ध्यान रखना। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस ऊर्जा के साथ हमने अपने संबंध को कायम किया है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, सारा कुछ मैं करूँ और आप कुछ नहीं करो तो फायदा नहीं, और आप ही देते रहो और मैं कुछ नहीं करूँ उसका भी कोई फायदा नहीं। आपसी संबंध, प्रेम और भाईचारा बनाने से बनते हैं, रिश्ते बनाने से कायम होते हैं। और सुनो, रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा आपका रिश्ता निभाता रहूंगा, इस बात का आपको वादा करके जाता हूं। और आज इस मैं भी गाड़ी में बात कर रहा था, लड़के जरूर जाएंगे, ये हमारी सोच है। डॉक्टर साहब आपके बीच में, डॉक्टर किरण जी मीणा आपके बीच में पधार चुके हैं, आप सब सामने को मिले हैं, हो चुके हैं, मैं सोचों पर बैठने वाले जो अपने हमेशा महाराज जी के दावेदार होते हैं।
होगा। वो जरूर पकड़ते हैं, सामने जगह छोड़ दीजिए भाई, धक्का मुक्की कोई भी नहीं करेगा। डॉक्टर साहब को आने दीजिए, उनके साथ हमारे पीएम साहब और सारे उनके जो भी कफिला है, जो भी लोग है, अनावश्यक भीड़ नहीं करनी है। आराम से डॉक्टर साहब को लेके आए, हम सबके लाड रहे महाराज जी का आशीर्वाद लेने। डॉक्टर किरण लाल मीणा जी आपके बीच में पधार चुके हैं, जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है और कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और बहुत सारे मंत्री उनके पास है। आप गुरु महाराज के इस महापुरुषारे में पधार चुके हैं, गुरु महाराज का आप आशीर्वाद ले। डॉक्टर किरण लाल जी मीणा उनके साथ में दीपक जी अपने भाजपा के मंडल अध्यक्ष, पूर्व सरपंच लखनला जी, दीपक जी मेरा सरपंच साहब, अनंत बढ़िया जी, हनुमत दीक्षित जी और अन्य सभी पदाधिकारी बना रहे हैं। आप सबका इस महाविद्यालय में बड़े गुरु महाराज की जय, बड़े किरणलाल जी भगवान की जय। अब आराम से बैठो भाई, आराम से बैठे बैठे देखिए, साफ पधार चुके हैं और सामने जनता अपने दर्शन करने के लिए आती है, तो एक बार सामने दर्शन कराओ भाई और सामने से बैठ दो। देखिए आप सबके बीच में हम सबके हृदय सम्राट डॉक्टर किरण लाल जी मीणा और भारतीय जनता पार्टी के नेता पधार चुके हैं। सभी नेता यहाँ पधारेंगे, एक अद्भुत सहयोग है कि अभी डॉक्टर साहब आए हैं, थोड़ी देर में सचिन जी पायलट साहब भी आपके बीच में आएंगे, हंसराज जी भालोती सपोटरा विधायक साहब भी आपके बीच में पधार चुके पधारने वाले हैं, बहुत सारे नेता आ जाएंगे। सबका यहाँ नंबर आए, सब को गुरु महाराज के द्वारा माइक दिया जाएगा, बोलने का अवसर मिलेगा, सम्मान दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि मंच को थोड़ा खाली करवाया जाए और डॉक्टर साहब को जगह देके आप आराम से बैठवाए। देखिए सामने से अनाउंस तक भीड़ नहीं करे भाई, माइक माइक बैठो बैठो, साहब आपके बीच में माइक के द्वारा बोलेंगे, तुराजो 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 गुरु जी महाराज, शाम को अकेले दिखने दो महाराज जी के दर्शन होंगे, साथ के दर्शन होंगे, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, उसके सामने फोटो खींचने वाले अभी लोकसभा के चुनाव में खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, बैठने में एक घंटा लग जाएगा। ए बाबा खड़े हो जाओ, ये सवाई माधोपुर को बैठ के देखते हैं, खड़े हो जाओ। बड़ा खुशी की बात है, ये भाई ढोलक बजाने वाले को चुप कर रहे हैं। ये बहनों का, माता बहनों का एक अद्भुत संगम, हर वर्ष मेला लगता है, और इस मेले में तुम चुप रह जाओ, बैठने वाले हल्ला कर रखा है, बैठ जाओ भाई,
कभी कभी मेरे को भी आने का मौका मिल जाता है। गत साल भी मैं आने वाला था, लेकिन मेरे से पहले गहलोत साहब आ गए। आज मैंने जल्दबाजी की तो मैं पायलट साहब से पहले आ गया। कोई झगड़ा नहीं है हमारा, पर मैं 5 साल तक गहलोत साहब के खिलाफ सड़कों पर लड़ता रहा, तो थोड़ा आपस में आंख मिलाने में दिक्कत आती है। तो मेरे को महाराज ने टोका कि आपको न्योता दिया था, आप आए नहीं। और अभी 10 दिन पहले इंदिरा जी का फोन गया था मेरे पास कि मैं आपको न्योता देने के लिए आऊंगी। मेरे को आज तक न्योता देने के लिए नहीं पहुंची, तो मैं तो बिना न्योते ही आ गया। मैंने अभी इंदिरा जी को फोन किया था, इंदिरा जी कहाँ हो? तो जहाँ है वहाँ है, रहना भी चाहिए उनके नेता आ रहे हैं। तो ये एक तरह से भक्तों का मेला, और मैं बहुत पहले से इस स्थान पर आ रहा हूं। जब बड़े महाराज थे तब एक दो बार तो रात में मुझे को यहां रुकने का मौका मिला। जो बगल में वो तलाई थी वो बहुत छोटी थी, उसमें कुछ काम तो ज्यादातर भक्तों ने कराया, पर कुछ मैंने भी कराया। और अभी स्थान बहुत बड़ा विशाल बन चुका है। मैं छोटे बालाजी जी, शिवानंद जी, नित्यानंद जी, शिवानंद जी, हाँ बड़े वाले शिवानंद जी थे, ये नित्यानंद जी हैं। इनकी अगुवाई में इस स्थान का बहुत बड़ा विकास हो रहा है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे टोंक में जोधपुरा का स्थान है, वैसा ये स्थान बनने के लिए जा रहा है। आप सब महाराज को साथ देते हैं, गुरु महाराज को इसमें सहयोग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत तो फक्कड़ होता है, उनके पास पैसा कहां से आए, लक्ष्मी कहां से आए, धन कहां से आए। जब अपार जन सहयोग मिलता है तो बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम सफल हो जाता है। अब अपार जन समूह 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अब यहां तो बाबा ने क्या तय किया मेरे को पता नहीं, लेकिन बालाजी के महंत ने मेरे को बुलाया है। वो 18 तारीख को 4 लाख किलो लड्डू देसी घी के अयोध्या को रवाना करेंगे। तो आप जाओगे तो वहां भी देसी घी का लड्डू आपको खाने का मिलेगा, और यहां भी माल देसी घी का ही होगा, प्योर देसी। हाँ मिश्री मावा भी बनता है, जोरदार चटकाने से खाओगे आप। ये भाईचारा, ये प्रेम भाव, ये भक्ति का भाव, और ये नहीं कि एक ही जाति आती है, सभी जाति धर्म के 36 कौन से लोग इस आश्रम पे आते हैं, और ये विशाल भंडारे में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। तो मैं भी यहां का एक छोटा सा भक्त हूं। मैं इस आश्रम पर जो भी जिस किसी प्रकार का गुरु जी महाराज मेरे को कहेंगे वो सहयोग देने के लिए तैयार मिलूंगा। आप मैं भी अब कुछ दिनों बाद बाबा जी बनने वाला हूं, मेरे को पूरे राजस्थान में बाबा बाबा कहते हैं। लेकिन
इस बाबा में नित्यानंद में केवड़ी लाल में फर्क है। मेरे पास गोलमा है, ये ब्रह्मचारी है। तो मैंने भी मेरा आश्रम बनाना चालू कर दिया है। 5-6 साल से आश्रम का काम चल रहा है। मेरा आश्रम किस किस ने देखा है, जरा हाथ खड़ा करो। ये महिलाओं ने नहीं देखा। अभी वहां पर 47 फुट ऊंची महादेव की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे गंगा जल का प्रवाह होगा। महादेव जी की जटा और वह विशाल मीन भगवान का मंदिर, बाकी देवी देवता जो सनातन परंपराएं जो हिंदू मानते हैं उनकी स्थापना हम करने के लिए जा रहे हैं। 1-2 साल में जब वो पूरा हो जाएगा, जब मैं भी राजस्थान भर के भक्तों को बुलाऊंगा और उस दिन मैं भी बाबा का तिलक लगा के कपड़े पहन के मैं भी बाबा जी बन जाऊंगा। क्योंकि अब ज्यादा राजनीति में पूरा समय दे दिया, 72 साल का हो गया। ये तो अच्छा हो सवाज मधुपुर वालों का, उन्होंने मेरी राज रख दी। तेरा पग पकड़ो रे माधोपुर राखो राज करोड़ी को राखो राज बुढ़ापा। ये सवाज मधुपुर के लोगों ने जवानी में भी मेरी लाज रखी। जब मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था तो सबसे ज्यादा वोटों से, इतने वोटों से कि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उतने वोटों से जीत के ही गया जितने वोटों से जीता गया सवाई माधोपुर की जनता ने मेरे को भेजा। तो मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। और जब मैं बामनवास से लड़ा तो 2 ध्रुव 1 हो गए। पुराने लोगों को पता है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी डूबती हुई मैया बोली और बामनवास की जनता ने पार किया। इसलिए मैं बोली का भी कर्जा नहीं भूल सकता, न बामनवास का भूल सकता, न सवाई माधोपुर का भूल सकता, न पूर्वी राजस्थान राजस्थान के भाइयों को भूल सकता। अब मैं किसान मंत्री, अभी मैं देखता आ रहा था वहां जो सब्जी उगाई जा रही है वो हमारा विभाग ही हुआ था। तो ज्यादातर आप किसान, मैं गांव में कैंप लगवाऊंगा। भारत सरकार और राजस्थान की सरकार की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसानों की हैं उनकी जानकारी आकर मेरे अधिकारी देंगे और मैं भी कैंप आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिलना चाहिए, ये मेरे विभाग का जिम्मेदारी है। मैं गांव का हूं तो गांव का काम भी मेरे को संभाल दिया मुख्यमंत्री जी ने, किसान का काम भी मेरे को संभाल दिया। और कोई दुख दर्द पीड़ा में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको। लाख में से भी सोना निकाल के आपको बीच में बांटूंगा, इस बात का बहुत सम्मान करूंगा। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शन देते हैं। राम राम साहब जोड़ देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना और वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के एक गांव में 2 रनवे मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा दे रहा हूँ, करा दूंगा कराऊंगा। उनके हैं वो 44 साल का 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करूँ। तो मैं जो वादा करता हूँ कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा। वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है
कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को कभी पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूं, आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप हो गए उन्हें पूरा सहयोग देना और उसको अच्छा विकसित करने में मैं कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म प्रेमियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम। हेलो हेलो। मैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी गांधी मीना साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो महाराज जी के पास में आए और एक महाराज जी की अर्जी है, वो अर्जी को आप स्वीकार करें या एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए महाराज जी का एक प्रार्थना पत्र उसको स्वीकार करें और एग्रीकल्चर खोलने की कृपा करें, क्योंकि ये एरिया पूरा है, वो किसानों का एरिया है, इसलिए भाई भाई बैठ बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ। अरे तू खाकी है, खाकी बटी है जन्नो, ये एग्रीकल्चर कॉलेज की कह रहे हैं, क्या है एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दे, ये तो बाबा हाई नहीं कर रही। ए महाराज, ओ महाराज, ये तो मना कर रही है एग्रीकल्चर कॉलेज की, तो रहने फालतू की बात, पहले कॉलेज की बात कर। ये बताओ तुम तो सब आसपास करो, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए 100 बीघा जमीन चाहिए कि वो है ना, मेरी बात सुनो, है मैं पहले बता देता हूँ, 100 बीघा जमीन चाहिएगी और उसको आगे विकसित करने के लिए और जमीन की भी जरूरत पड़ सकती है, मिल जाएगी। कहाँ पे है? मौजूद है यही। तू तो सरस्वती वाला कह रहा है, यहाँ की कह रहा हूँ, यहाँ की यहाँ 100 कहाँ है, ये तो 25 बीघा मैं रोड से लेकर यहाँ तक है, पीछे भी है। देखो समय लग सकता है क्योंकि गहलोत साहब खजाने को खाली कर गए, लेकिन मैं इस स्थान पर आया हूँ तो महाराज आदेश दे रहे हैं, भक्तों की मांग है, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज जहाँ भी 100 बीघा जमीन मिलेगी वहाँ करा दिया जाएगा। अर्जी महाराज जी बाउंड्री वाल की होती है, बाउंड्री वाल वैसे नरेगा की, नरेगा की बाउंड्री वाल, नरेगा से है वो आपको नहीं, नरेगा से, अरे बाउंड्री वाल नरेगा की। हेलो हेलो, देखिए दोनों पत्र हैं, डॉक्टर साहब के पास पहुंचा दो, वो दे दिए उधर लेके डॉक्टर साहब के पास दोनों, यहाँ ऐसा नहीं है, बाउंड्री वाल अलग है, हमने सरोवर बनाया है उसकी 4 दीवारी का मामला है, वो अलग लेटर है और कॉलेज का लेटर अलग है, जो ट्रस्ट के दोनों खर्च के उसपे है। अब सपोर्ट से अपने विधायक साहब श्री हंसराज जी बालोती आपके बीच में बता चुके हैं, अब मैं चुके हैं
हम सबके बीच में आप सबके लाड़े गुरु महाराज आशीर्वाद लेने सचिन से पाल भी बना चुके हैं और उनका गुरु महाराज को पाले साहब के द्वारा सेवा का स्वागत किया गया है। आप सब भैया मैं निवेदन करता हूँ देखिए हाँ ये देखिए सबसे मिलेंगे पहले उसके बाद अपने सब जो भी सभी का भाषण करवाएंगे देखिए 31 बोरी शक्कर की तृप्तिलाल मीना हमारे हमारी विधायक साहब श्रीमती इंदिरा मीना जी जी आपके बीच में बिहार चुके हैं। हमारे विधायक साहब श्रीमती इंदिरा मीना जी जी आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने बना चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कमेटी के लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बीच में विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री माननीय सचिन भाई जी बना रहे और कमेटी की तरफ से और गांव वालों की तरफ से और आम जनता की तरफ से सभी भक्तों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कमेटी के लोगों के द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाएगा। माननीय पायलट साहब थोड़ा पधारे आगे हमारे बीच में वो भी पहुंचे हैं उनका दूसरी कमेटी की तरफ से स्वागत और सम्मान सोलन के साथ भी पूरे विधायक जाती है वो भी हमारे बीच में पहुंचे राम नारायण जी भी हमारे बीच में विराजमान है वो कई बार विधायक बन चुके हैं। माननीय सचिन पायलट जी का स्वागत और सम्मान युवा उनके रितेश सम्मान सरपंच साहब हनुमान जी रामनायन जी का सभी के माननीय सचिन पायलट जी आप सबके बीच में पहुंचे हैं गुरु महाराज के दर्शन करने और मैं कहना चाहूंगी पिछली बार यहाँ की 16वां निवार दिवस समारोह है और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। पिछली बार हमने सरकार से मांग की थी कि ये गौशाला होनी चाहिए तो आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो गौशाला के नाम अलॉट हो गई है और जल्द ही ये गौशाला बनने वाली है यहाँ पर। और आवासीय इदारे जो एकलव्य मॉडल आवासीय इदारे हमारे गुरु महाराज के नाम से स्वीकार हो चुका है और उसका पैसा भी आ चुका है। सभी भक्तों के लिए बड़े खुशी की बात है कि जो सरकार ने हमने सरकार से जो मांग की थी वो पूरी हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी पिछली बार आप भक्तों को बताना चाहूंगी कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई। मैं निवेदन करना चाहूंगी यहाँ पे हमारे बीच में जसकौर जी भी विराजमान है मैं कहना चाहूंगी कि योजनाओं का नाम बदल दीजिए परियोजना चालू रख दो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जसकौर जी को कहना चाहूंगी कि जसकौर जी हमारे भारत को माननीय मुख्यमंत्री बदलना और प्रधान
देखिए भाई साहब, युवाओं से जगह सबसे निवेदन है, रुको भाई, आप बिल्कुल अपने सब जिंदाबाद करिए। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान घनश्याम जी देव साहब से कि अपना कम समय में वो भाषण दे, उद्बोधन दे। शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी जो महान संत है हमारे, तो इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी सचिन पायलट साहब का इस धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, ये धार्मिक नगरी भेडोली का जो आश्रम, ये बहुत गौरवशाली स्थान है। मैं पायलट साहब आपसे निवेदन करूंगा, आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं अब पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आपके श्री मुख से बहुत बहुत जनता को लाभान्वित करें। विधायक इंदिरा मीणा जी, हमारे विधायक घनश्याम मेहर साहब, हमारी सांसद महोदया स्कॉर मीणा जी, रामलाल मीणा साहब, वेद सोलंकी जी, आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन, आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई, बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सोलहवीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ। और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपनी त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे हैं इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे छत्तीसगढ़ कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। आज तो सिर्फ महाराज हमारे आज तो महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पर राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, राजनीति में उतार आए, चढ़ाव आए, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। और और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस ऊर्जा के साथ हमने अपने संबंध को कायम किया है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, सारा कुछ मैं करूँ और आप कुछ नहीं करो तो फायदा नहीं, और आप ही देते रहो और मैं कुछ नहीं करूँ उसका भी कोई फायदा नहीं। आपसी संबंध, प्रेम और भाईचारा बनाने से बनते हैं, रिश्ते बनाने से कायम होते हैं। और सुनो, रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा आपका रिश्ता निभाता रहूंगा, इस बात का आपको वादा करके जाता हूं। और आज मैं भी गाड़ी में बात कर रहा था। हेलो गाइस, सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, आप देख रहे हो शिवराज छावड़ी चैनल। दोस्तों, आप सभी भाइयों को मैं बता दूं कि हिंदू समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम का जहां जन्म हुआ अयोध्या के अंदर, वहीं पर उनके राम मंदिर का उद्घाटन है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से वहां पर राम मंदिर बना है और हिंदू समाज 22 जनवरी को फिर से दीपावली मनाएगा।
दोस्तों खुद नरेंद्र मोदी ने बताया कि 22 जनवरी को घर घर में दीपक जलने चाहिए, घर घर में उत्सव मनना चाहिए, यहाँ तक कि गोवर्धन पूजा भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही गौरव और उत्सव की बात है कि हमारे श्री राम जिनका ये राज है, श्री राम प्रभु की ये धरती है, वहाँ पर उनका मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। और हिंदू समाज के बड़े बेटे बड़े नेता सलमान खान, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने इसमें हाथ भी बांटा, जितना उनसे सहयोग हुआ भी किया और वहाँ पर गए। दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि खुद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 22 जनवरी को सभी भाई दीपावली मनाएं, और जिन तक भी ये वीडियो चाह रहा है उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत है कि 22 जनवरी को दीपावली से कम दिन नहीं। जय श्री राम। जितने भी उनके भक्त हैं सब्सक्राइब